स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी एग्रीकल्चर फॉर सेकेंड, आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे क्लोनिंग के बारे में। तो ब्रीफ में बताऊंगा, क्लोनिंग का मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं प्रतिरोपण, यानी वैसा का वैसा ही जीव तैयार कर देना जैसा आप चाहते हैं। जैसे कि उसी साधारण भाषा में समझें तो ट्विंस जैसे होते हैं या जुड़वा होते हैं, उसी वैसे की वैसे करैक्टर वाला, वैसे वैसे ट्रेट वाला, वैसे वैसे शक्ल वाला, वैसा का वैसा जीव तैयार करना क्लोनिंग कहलाता है। तो अपने एनिमल साइंस में सबसे पहले डोली नामक भेड़ तैयार की गई थी और वो एकदम वैसे की वैसी थी जैसा हम चाहते थे। जैसे कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा है कि फिन सेट जो भेड़ थी और एक ब्लैक फेसेस भेड़ थी, दोनों को मिला के फिनसेट नाम से अपने को करेक्टर वाला डोली भेड़ तैयार की गई, जिसमें क्या किया जाता है, सिंपल प्रोसेस होता है कि जिस चीज़ से या जो अपने को जैसा प्रतिरूपण तैयार कर, जैसा क्लोन बनाना है, उसकी उसकी हम सोमेटिक सेल लेते हैं और सोमेटिक सेल लेकर के उस सोमेटिक सेल से, यानी उसके अडर से सेल ली गई, उस अडर से ली गई सेल का जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लियस निकाल लिया जाता है और दूसरी जो जिसका रिप्रोडक्टिव सेल वाला एनिमल, जिसे को एग लिया गया, तो ये ब्लैक फेस जो ब्लैक फेस डोरसेट नाम की भेड़ थी, उसका रिप्रोडक्टिव सेल एग लिया गया और उस एग से न्यूक्लियस को निकाल करके और इस फिनसेट जैसा हमें तैयार करना है, फिनसेट का न्यूक्लियस इस ब्लैक फेस रिप्रोडक्टिव एग के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया गया, प्रतिरूपित कर देना या उसको उसमें इंसर्ट करा दिया गया, इनोकुलेट करा दिया गया। इसे आपको डायग्राम में साफ दिख रहा है। और सोमेटिक सेल जो थी उसका न्यूक्लियस जब इसमें आ जाता है रिप्रोडक्टिव एग के अंदर, जिसका न्यूक्लियस निकाला गया है, तो अब सारे करेक्टर उस न्यूक्लियस के चलेंगे जो अपने को फिनसेट वाले में था, यानी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस में जो गुणसूत्र या जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो क्यों करेक्टर इसमें आ जाएंगे। जैसे डायग्राम में साफ लिखा गया देखा गया है कि फिनसेट भेड़ का सोमेटिक सेल का न्यूक्लियस लिया गया और ब्लैक फेस डोरसेट भेड़ का रिप्रोडक्टिव सेल से एक निकाल के इसका एक सेट कर दिया गया थर्ड फेज में जाके। इसमें इनोकुलेशन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वेव्स द्वारा इसमें इनोकुलेशन किया जाता है, तो उसके बाद में आपको डोली नाम की भेड़ तैयार हुई, जिसके सारे करेक्टर फिन सेट वाले भेड़ के थे। तो इस तरह से हम कैटल में भी तैयार किया जा चुका है NDRI करनाल में। तो इसके प्लस माइनस कई पॉइंट होते हैं, लेकिन प्रोसेस इसका आपको बताया मैं कि जो न्यूक्लियर मैटर सोमेटिक सेल से जो न्यूक्लियस को निकाल के रिप्रोडक्टिव सेल के न्यूक्लियस में इनोकुलेट करना, जिससे कि वो रिप्रोडक्टिव सेल मल्टीप्लाई करती है, इसलिए उसमें डाला जाता है सोमेटिक सेल का करेक्टर। अपने को वो होता है कि जो न्यूक्लियस अपने को चाहिए वैसा का वैसा तैयार करने के लिए अपने सोमेटिक सेल यूज किया जाता है। फीमेल की आवश्यकता इसमें ज़रूरी है रिप्रोडक्टिव सेल लेने के लिए, रिप्रोडक्टिव एग लेने के लिए। तो इस तरह से अपन क्लोनिंग कर सकते हैं, सिंपल प्रोसेस का मैंने आपको